नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आकाश रेजिडेंसी अपार्टमेंट के लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने हमला किया है, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि गनीमत रही कि कुत्ते ने लिफ्ट में पहले से मौजूद महिला को काटा नहीं, लेकिन अपने मालिक के साथ लिफ्ट में घुसते ही कुत्ते ने हमला बोल दिया। अगर कुत्ते के मालिक ने समय रहते पट्टा ना खींचा होता तो बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन कुत्ते के हमले की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो कि बेहद डरावनी है, क्योंकि हमले के साथ ही कुत्ता महिला के ऊपर चढ़ गया और तेजी से भौंकते हुए काटने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार आकाश रेजिडेंसी में कुल 380 परिवार रहते हैं, जिनमें से 39 घरों में पालतू कुत्ते हैं। आपको बता दें, यहां 2 दिन पहले बाहर टहलाते समय एक पालतू कुत्ते ने युवक पर हमला कर दिया था, जो घटना सीसीटीवी से सामने आई है। आपको बता दें कि पालतू कुत्ते द्वारा लोगों को काटने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रेजिडेंसी की तरफ से लिफ्ट में प्रवेश वर्जित और नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माने की व्यवस्था की गई है। वहीं कुत्ते को बाहर ले जाते समय उसके मुंह पर मास्क लगाने की भी सलाह दी गई है, जिससे भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके। हमारे सोसाइटी में कुत्तों की घटना है, काफी दिन से हो रही थी। उसके लिए हमने जो कुत्ते के वो है मालिक, उन लोगों से पर्सनली जाके बात भी करी। उन लोगों का कहना यह है कि हम कुत्ते को कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनके जो कुत्ते टहलाने निकलते हैं बच्चों को हाथ भेज देते हैं, जो कुत्ता उन्हें कंट्रोल करता है। तो वो उस टाइम पे जब वो अटैक करता है, कुत्ता मोड पे होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और काफ़ी सारे लोगों पर, बड़े लोगों पर भी अटैक कर चुका है वो। मतलब वो कुत्ते बिल्कुल निर्भीक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे उन्हें नहीं खींचा जाए तो वो बाइट कर भी ऐसे करेंगे कि आदमी, बहुत बड़ी घटना होगी, गाजियाबाद की घटना के बराबर घटना है। और ये ऐसा 3-4 बार हो चुका है हमारी सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर। वो हमारे सोसाइटी के टावर 2 में रहती हैं शिल्पी जी, 11वें फ्लोर पे। वो ग्राउंड फ्लोर पे जा रही थी लिफ्ट से, अकेली थी, और जैसे लिफ्ट 10 फ्लोर पे खुली, उस कुत्ते ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जबकि उसी चैन से बंधा हुआ था, लेकिन ओनर उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाया। ओनर जब तक वो खींचा, वो उनके पैर के ऊपर खड़ा हो गया, मतलब उनके शरीर के ऊपर खड़ा हुआ था पूरा, बाइट मारने की देरी थी। और इसी जगह पे कोई बच्चा होता तो बहुत बड़ी घटना होती है। जो आए हैं सर के पास, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो भी कानूनी रूल है, उसके हिसाब से वो उसका निवारण करवाएं, और कम से कम उन कुत्तों को के मालिकों को एक सामाजिक जिम्मेदारी जो है उसको निर्वाह करने के लिए प्रतिबद्ध करें। हमारी सोसाइटी में भी कुत्तों का काफ़ी आतंक फैला हुआ है इस टाइम पे। काफ़ी सोसाइटी ओनर्स हैं जिनके पास कुत्ते यहाँ पे हैंगे, और अक्सर आए दिन घटना ये घटित होती जा रही है कि कुत्ते जो हैं या तो बच्चों पे या महिलाओं पे या बुज़ुर्गों पे आतंक अपना फैला रहे हैं। और अभी भी रिसेंटली अभी 2-3 सीन ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत अनहोनी होने से बची है अभी। उसमें एक महिला थी, वो अपने फ्लैट से निकल के अब सोसाइटी पार्क में जा रही थी, तो लिफ्ट में एक सज्जन थे जिनके पास कुत्ता था, वो चढ़े उसमें, तो अपने पहले घुसने से पहले उन्होंने कुत्ते को उसमें एंटर करवा दिया, जिससे कि उस महिला के ऊपर चढ़ा वो, और उनको एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से काफ़ी बची। आकाश रेजिडेंसी कांट रोड पर हमारी एक सोसाइटी है, वहाँ पे अराउंड 408 फ्लैट है, जिसमें 380 परिवार वहाँ रहते हैं, और करीब 30 से 35 लोगों ने वहाँ पर कुत्ते जो हैं अपने यहाँ पाले हुए हैं। कि वहाँ लिफ्ट के अंदर किसी पालतू कुत्ते के द्वारा किसी महिला के ऊपर अटैक किया गया है। इस घटना की जांच पशु कल्याण अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त के माध्यम से कराई जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। मैं यहां आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत धारा 182 में ये प्रावधान है कि जो भी पशु पाले जाएंगे उनके संबंध में एक उपविधि बना करके उनका विनियमन या रेगुलेशन किया जाएगा। परंतु मुरादाबाद शहर में अभी तक इस प्रकार की कोई उपविधि प्रचलन में नहीं है, और इसके लिए माननीय सदन का अनुमोदन आवश्यक है। लेकिन हम इस दिशा में आवश्यकता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई आरंभ कर रहे हैं, और अन्य निगमों में भी इस प्रकार के जो प्रोटोकॉल्स या उपविधियां बनाई गई हैं उनका भी अध्ययन करने के लिए एक समिति मैंने आज ही बनाई है। जल्दी से जल्दी इसका हम अध्ययन करके एक उपविधि माननीय सदन से पास करा करके पूरे शहर में लागू करेंगे। जहां एक तरफ हमें पशु क्रूरता संबंधी गतिविधियों का निवारण करना आवश्यक है, वहीं हमें ये भी देखा जाना होगा कि जो पशु स्वामी पालतू पशु पाल रहे हैं वे अनावश्यक रूप से शहर को गंदा न करें, आसपास में अपने पड़ोसियों या अन्य स्थानीय निवासियों के ऊपर हमला न करें। इस सब को इन्फोर्स करने के लिए बहुत जल्दी एक कठोर नियमावली पूरे शहर में लागू की जाए।